मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन की गोइस पंचायत के खोरड़ गांव में लोगों को लंबे अंतराल के बाद गांव में एम्बुलेंस रोड सुविधा से जुड़ने की उम्मीद जगी है। इस संबंध में एसडीएम नादौन अपराजिता चंदेल ने ग्रामीणों की शिकायत के बाद मौके का निरीक्षण किया और गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए भूमि के चयन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। एसडीएम अपराजिता चंदेल ने बताया कि भूमि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक बार फिर से मौके का निरीक्षण कर रोड की अलाइनमेंट तय की जाएगी, जिसे दो हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। आज उसका मौके का निरीक्षण किया गया। कुछ पैचेस में कुछ जगह पर जो है 3 मीटर का रास्ता पूरी तरह से संभव ना होकर प्राइवेट लैंड भी है, तो वहाँ पर लोगों से बातचीत की गई और उन्होंने ये सहमति जताई कि जहाँ जहाँ पर उनकी निजी भूमि है वहाँ पर लोग निजी भूमि का दान करके रास्ता बनाना चाहेंगे। तो इस संदर्भ में मैंने जो यहाँ के तहसीलदार हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि इस रास्ते 3 मीटर तक के रास्ते का जो ततीमा काट कर और जिन भी लोगों की ज़मीन उसमें जा रही है उनको आइडेंटिफाई करें और उनको बुलाएँ और उनसे सहमति लें। उनकी जो लैंड है, जितना एरिया सड़क में जाना है, वो पंचायती राज विभाग के नाम किया जाए। 2 हफ्ते का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2 से 2.5 हफ्ते में हम एक बार पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके, लैंड ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके, अपना अलाइनमेंट की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके गांव वालों की मदद से और पंचायत की मदद से रास्ता जो है वो बनाना शुरू कर सकें।